my dear brother and sister in the faithful name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के वफादार नाम में आप सबको दोपहर का सलाम. Today my topic is. मेरा आज का अनुमान है. Does the Holy Bible give us permission to marriage in other nation? क्या बाइबल मुकद्दस हमें गैर अक़वाम में शादी करने की इजाजत देती है? My brother, my sister, have you brought your Holy Bible with you? मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आप अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ लाए हैं? Raise it up. इसको ऊपर लहराएं. Now please open your Holy Bible with me. अब मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस की जिल्दें खोलें. Proverbs chapter 14 verse 12. इंसान की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है. Have you opened your Bible? क्या आपने अपनी बाइबल मुकद्दस खोल ली है? इंसान 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत. Have you opened your Bible? क्या आपने अपनी बाइबल मुकद्दस खोल ली है? Yes. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर इसकी इंतहा में मौत की राह है. My brother, my sister, in this verse, King Solomon says. मेरी बहन, मेरे भाई, सुलेमान बादशाह इस आयत में फरमाता है. There are many decisions a human take in his life. Those look right to him, but their end do not right. एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले लेता है जो इसे सही मालूम होते हैं, लेकिन इनका अंजाम अच्छा नहीं होता. Now we learn through the lives of some characters of Holy Bible. अब हम बाइबल मुकद्दस के चंद किरदारों की जिंदगी के बारे में देखेंगे. That Holy Bible does not give us to do marriage in other nations. ये बाइबल मुकद्दस हमें गैर अक़वाम में शादी करने की इजाजत नहीं देती. In Genesis chapter 24, Abraham told his son Isaac to do not marriage in other nations. पैदाइश 24 बाब में इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को गैर अक़वाम में शादी करने से मना करता है. In Genesis chapter 28, Isaac and Rebekah stopped their son Jacob to do not marriage in other nations. पैदाइश 28 बाब में इसहाक और रुबैका अपने बेटे यकूब को गैर अक़वाम में शादी करने से मना करते हैं. In 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16, Apostle Paul told us to do not marriage in other nations. दूसरा क्रंथियुस का 6 बाब 14 से 16 आयत में पौलुस रसूल हमें गैर अक़वाम में शादी करने से मना कर रहा है. So it proved that Holy Bible does not permission us to do marriage in other nations. So साबित हुआ है कि बाइबल मुकद्दस हमें गैर अक़वाम में शादी करने से मना करती है. So now it depends on us that we act upon it or not. अब ये हम पर है कि हम इस पर अमल करें या ना करें. God bless you. खुदा आपको बरकत दे. Amen. आमीन.